हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ धूम्रपान और तंबाकू का जो व्यसन है उसके बारे में। लोग काफ़ी मात्रा में तंबाकू के, एक तो तंबाकू खाने में च्यूइंग, टोबैको च्यूइंग के आदि रहते हैं, उनको नशा उनको मिलता है उससे। तंबाकू यहाँ रखना अंदर गाल के नीचे, या सिगरेट स्मोकिंग करना, या बीड़ी। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, अभी कल ही मेरे पास में एक लड़का आया था, वो दो पैकेट मतलब 20 सिगरेट कम से कम रोज की लेता है, 15 रुपए की एक सिगरेट है। कुछ भी थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया कि जाके सिगरेट पीना ही पड़ता है उसको। उसको मालूम है कि भाई सिगरेट ज़्यादा मात्रा से पीने से लंग का मतलब फुफ्फुस का ये जो मतलब कैंसर है वो हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है उसको, वो मालूम है उसको। और तभी बोलता कि मैं छोड़ नहीं सकता। तंबाकू खाने वाले हर व्यक्ति को ये मालूम है कि तंबाकू खाने से गाल के अंदर मतलब मुंह का कैंसर हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग कैंसर के शिकार हो सकते हैं। सब लोगों को मालूम है कि धूम्रपान करना अच्छा नहीं है, उससे कैंसर होता है, कुछ फ़ायदा होता नहीं है। लोगों को मालूम है कि तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग सफ़र करते कैंसर से, कुछ फ़ायदा होता नहीं है। वैसे सब मोटे लोगों को मालूम है कि वज़न कैसे कम करना, मगर उनका वजन कम होता नहीं है। तो मालूम हो कि कुछ होता नहीं। ये जो आदत लगी है ये सबकॉन्शियस माइंड में लगी हुई है। ये सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा है कि उसमें जाके वो आदत बैठ गई, वो ऑटोमेटिक होते रहता है। मतलब कॉन्शियस माइंड का उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। कॉन्शियस माइंड चाहता है कि मैंने सिगरेट बंद करना चाहिए, कॉन्शियस माइंड चाहता है कि मैं तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मगर वो वक्त आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड इतना हावी हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक वो एक तो स्मोकिंग करेगा या तंबाकू खाएगा। अब इसके ऊपर इलाज क्या है? इलाज ये है कि कुछ दवाइयाँ इसके ऊपर अभी आई हुई है, जैसा सिंथेटिक निकोटीन है जिसकी गोलियाँ मिलती है। जब जब तंबाकू खाने की या सिगरेट स्मोकिंग की इच्छा होती है तब वो गोली चूजना मुँह में रख के, तो 5-6 गोली रोज की लेते हैं और धीरे 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 उसकी मात्रा कम करते हैं तो धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाती है। दूसरा है कुछ मेडिसिन्स है दवाइयाँ एलोपैथी में, जो दवाइयाँ लेते हैं जैसा बुप्रोपियन करके एक मेडिसिन है, फिर फ्लुओक्सिटिन नाम का एक मेडिसिन है, फिर क्लोमिप्रेमिन नाम की दवाई है। तो ऐसी दवाइयाँ जो है वो दवाइयाँ खाने से कुछ ना कुछ मात्रा में ये आदत छूट सकती है। और वैसे ही स्वसम्मोहन करके सेल्फ हिप्नोसिस या परसम्मोहन मतलब हेट्रो हिप्नोटिज्म करके ये आदत छूट सकती है। आपके आजू बाजू में काफ़ी सारे लोग होंगे कि जो सिगरेट के आदि होंगे तंबाकू के, उनका मतलब उनको तंबाकू का व्यसन होगा। तो वीडियो जरूर उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उनको शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।